आपको बताएंगे मियांवाली में अलकरम सीड फील्ड डे पर मुल्क भर से काश्तकारों और डीलर्स की आमद। डीलर्स ने अलकरम सीड की काश्त शुदा ट्रिपल जीन कपास के फसल का मुआयना किया। इनका कहना था अलकरम सीड के नुमाइशी प्लॉट्स की फसल इंतहाई बेहतरीन है। काश्तकारों को मशवरा देंगे कि अलकरम की ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त करें। इस बारे में मजीद बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी बिल्कुल, मियांवाली में अलकरम सीड का जो काश्त की गई है कपास की फसल के लिए, जो सीड काश्त हुआ है उसके मुख्तलिफ प्लाट्स जो हैं बलूचिस्तान और सिंध से आए हुए जो हमारे काश्तकार हैं डीलर हैं उन्होंने आके यहाँ पे मुआयना किया है। आपसे इस हवाले से बात करते हैं कि यहाँ पे आपने मुआयना किया बीज के हवाले से, क्या कहेंगे सवाल? मेरा नाम खेमचंद है, उडेलाल विलेज डिस्ट्रिक्ट मटियारी से मैं आया हूँ। हमें तो बहुत खुशी हुई आपने इन्वाइट किया, हमें तो इससे ज़्यादा खुशी हुई जो हमने आके अपने आँखों से देखा इनका, जो आपका फार्म देखा हम सेटिस्फाई हो गए। आगे अभी जाएंगे हम भी ये मैसेज लेके हम अपने ग्रोअर अपने कस्टमर को देंगे, भाई आप ये चीज़ लगाओ आप भी तरक्की करोगे, हम भी करेंगे, हमारा मुल्क खुशहाल होगा, यही मैसेज लेके जाएंगे। हमारा आपकी मेहरबानी, हमें आपने इन्वाइट किया। नहीं, फसल बिल्कुल अच्छी लगी, बिल्कुल आप हमें ये थोड़ा नॉलेज में आ गई तो इन पर कैसे स्प्रे कौन सा लगाए, कौन सी इसकी बीमारी है, जहाँ इसमें वाइट फ्ला लगी है या पिंक लगी है, ये हमें जाके इधर आए तभी हमारे को पता हुआ। जी नई मालूमात यहाँ से मिली है, गुरमुख साहब मौजूद हैं, आपसे बात करेंगे। अपने इलाके की फसल जो है कपास की बिलखसूस फसल और यहाँ की फसल में कितना फ़र्क आपने नोट किया है? ये तो फसल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन है, बदीन में भी फसल माशाल्लाह बेहतरीन है। मैंने पिछले साल इस कंपनी से काम किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया, फिर इस साल साहब ने दावत दी, मैंने क्या के देखूँ कैसी फसल है, माशाल्लाह तमाम बेहतरीन। मैंने अलकरम सीड के साथ पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ, इनके सीड हमेशा बेहतरीन रहे हैं, बहुत अच्छी पैदावार के हामिल रहे हैं और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत बहुत ज़्यादा रही है। और आज जो फील्ड देखें इनके, जो इनकी सिलेक्शन है, इन्होंने अगले साल सीड बनाने के लिए जो फील्ड मुंतखब किए हैं बहुत शानदार हैं। इंशाल्लाह ये बेहतरीन बीज हमारे मुल्क हमारे इलाके और हमारे लिए तरक्की का बायस होगा। जी हमारे लिए तरक्की का बायस बनेगा। सर मुझे लगता है कि ये अभी सिंगल क्रॉप हो जाएगी साल की, यानी कॉटन जिन लोगों ने फरवरी सोइंग की है उनकी पैदावार 60 मन 50 मन 65 मन भी, इवन जो है नवाबशाह या लोअर सिंध है वहाँ पर तो बहुत बड़ी पैदावार आ रही है। इन दोस्तों को बुलाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो हमारी ट्रिपल जीन वैराइटीज़ हैं वो उनको विज़िट कराई है, उनकी प्योरिटी बताई है, उनकी जो थी ना टेक्नोलॉजी वो इनको बताई है। तो पाकिस्तान की जो बका है ना वो कॉटन में है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मलिक मुस्तफ़ा साहब की बात सुनी कि पाकिस्तान की बका जो है वो कॉटन में ही है। अख्तर मजाज बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए।